नमस्कार, स्वागत है आपका DK न्यूज़ में। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले अहमद मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ NIA कोर्ट ने सज़ा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने मुर्तजा को फांसी की सज़ा सुनाई है। मुर्तजा पर UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ है और इसे आतंकी माना गया है। मुर्तजा ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था। सोमवार 30 जनवरी को आतंकी मुर्तजा अब्बासी को कड़ी सुरक्षा में लखनऊ से NIA या ATS की अदालत में लाया गया। सज़ा का ऐलान होने के बाद ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, लगातार 60 दिन तक रिकॉर्ड सुनवाई हुई, इसके बाद आज सज़ा का ऐलान हुआ है। इसमें धारा 121 IPC के तहत फांसी की सज़ा और 307 जो पुलिस पर हमला हुआ था उसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। ADG ने आगे कहा कि सभी सबूतों को अदालत के सामने अच्छे से पेश किया गया है। अदालत ने सबूतों को सही माना है। ये दिखाता है कि पुलिस की जांच सही थी। देश के खिलाफ जो साजिश थी उसको यूपी पुलिस ने बेनकाब किया है। अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC के जवानों पर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने बड़े धारदार हथियार से हमला किया था और जवानों के हथियार छीनने की कोशिश भी की थी। जांच में सामने आया कि गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के पास सिपाहियों पर हमले के मामले का हमलावर नेपाल भी गया था। ATS की जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक IIT से पढ़ा हुआ मुर्तजा आतंकवादी संगठनों की विचारधारा से प्रभावित था। उसके पास से जिहादी साहित्य और भड़काने वाले ऑडियो और वीडियो भी मिले थे। इस मामले में आरोपी मुर्तजा के पिता ने बताया था कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, वो स्टेबल नहीं है और अकेला नहीं रह सकता। मुर्तजा के पिता ने कहा था कि बचपन से ही वो बीमार था जिसको वो नहीं समझ पाए, लेकिन 2018 में आते आते इस बीमारी ने भयानक रूप ले लिया। पिता के मुताबिक नौकरी के दौरान भी मुर्तजा दो दो महीने बिना सूचना के कमरे में ही पड़ा रहता था। वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है और इसका इलाज जामनगर अहमदाबाद में चल रहा है। मिलते हैं आपसे किसी नए खबर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।